Good morning, everyone. We had started chapter 7, animal structure and organization. ये हमने start कर लिया था. आज हम कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी हैड कंप्लीटेड टू टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू. ओके, यस केशव शर्मा बेटा, म्यूट योर माइक. सी, आज हम थर्ड टाइप का टिश्यू स्टार्ट करेंगे, विच इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू विच कैन कनेक्ट ऑल बॉडी. वो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे. इट मे बी प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म, इट मे बी प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ये प्रेजेंट मिलेगा आपको. अब कनेक्टिव टिश्यू जो है, फर्दर इसको तीन पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते ठीक है. फर्स्ट जो इसका पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड जो इसका पार्ट है, गुड मॉर्निंग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. और थर्ड जो इसका पार्ट है वो है आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने. लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर इनको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोज टिश्यू. डेंस के अंदर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर. और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड. ठीक है, ये तीन टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने हैं. तो लिख लो, जल्दी से लिखो इसको. ओके, नाउ फर्स्ट लेते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ रहा है ना, लूज अरेंजमेंट होगा उसका. ठीक है, फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. क्या है इसके अंदर? दे आर लूजली अरेंज. लूजली अरेंज्ड है ये. देखो, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दो टाइप के होते हैं. एडिपोज, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोथ आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन.
स्किन के नीचे प्रेजेंट है। स्किन को क्या देते हैं? दे प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द स्किन। स्किन को शेप प्रोवाइड करते, एक बेस प्रोवाइड करते, स्किन का अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर जो है इन टिश्यू के थ्रू डिसाइड होता है। तो फर्स्ट टिश्यू हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बेसिकली एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। जैसे ये स्किन है, इसके नीचे ये एरियोलर टिश्यू है। क्या है? सिर्फ स्किन को बेस देने के लिए। आपने देखा ना, स्किन हम ऐसे प्रेस करते वापस ऊपर उठ के आती है। स्किन है, क्यों आ रही है? एरियोलर टिश्यू की वजह से। इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। बस इतना सा वर्क होता है एरियोलर टिश्यू का। जिसका बेस अच्छा नहीं होता एरियोलर टिश्यू का, उसकी स्किन के अंदर या बहुत ज्यादा एरियोलर टिश्यू जाते हैं तो स्किन जो है वो लूज होने लग जाती है, ठीक है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी ये जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फैट सेल्स के फॉर्म में। ये सारी क्या है? फैट सेल्स है। तो ये फैट सेल भी क्या होती है? जिसके अंदर फैट भर जाता है, बस वो फैट सेल्स हो गई। ये भी क्या है? स्किन को एक सपोर्ट, एक बेस ही प्रोवाइड कर रहे। जैसे हमारे स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है तो अच्छा बॉडी का लुक, फिजिक्स जो है अच्छी नजर आती। बहुत ज्यादा फैट हो गया तो मोटे हो जाएंगे, थुलथुली बॉडी हो जाती है, अच्छा नहीं। या फैट बिल्कुल ही नहीं तो एकदम ऐसे लीन थिन टाइप के पर्सन, तो वैसे ही अच्छा नहीं। तो ये करता है क्या है? स्किन को एक शेप दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? समझ में आ गया यस आपको? मैम, ठीक यस है, मैम। ओके। चलो नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इससे फाइबर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये दो टाइप के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक तो डेंस रेगुलर टिश्यू। तो इसके अंदर क्या रेगुलर अरेंजमेंट होगा? जैसे ये कोलेजन फाइबर है, ये रेगुलरली अरेंज होंगे, आपको कहीं भी इसके अंदर ऊट पटांग अरेंजमेंट नहीं नजर आए। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, डेंस रेगुलर टिश्यू हो गए। दूसरे होते हैं डेंस इररेगुलर। तो उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है। ये कोलाजन फाइबर किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर टिश्यू जो होते हैं फर्दर हम कह सकते हैं ये दो टाइप के हैं। एक तो होते टेंडन्स, दूसरे लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं मसल और बोन के बीच में। मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखते हैं। कैसे? ये बोन है कोई, इसके ऊपर ये मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है
अब इन दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है, ये टेंडन्स है। तो कभी कभी आप लोगों की मोच आती है तो ये टेंडन्स टूट जाते हैं, बोन से मसल्स जो है वो हट जाती है, स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, वेट किया जाता है, गर्म पट्टी बांध के रखते हैं उसको, फिक्स जगह पे रखते हैं, बहुत तेज दर्द होता है, हेल्प लेस हो जाते हैं हम उस वक्त चलने फिरने में। तो ये टेंडन्स है। लिगामेंट्स, ये क्या करता है, बोन टू बोन ज्वाइन करता है। दो बोन्स जैसे ये एल्बो, ये बोन रेडियो ना और ये ह्यूमरस, आपस में जिससे जॉइंट है वो हो गया लिगामेंट्स। जैसे ये एक बोन है, फिर वापस यहाँ से ये बोन स्टार्ट हो गई, इसका इसका आपस में जो कनेक्शन है इन्हें हम लिगामेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जाम्पल है टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्योंकि आप खुद देख रहे हो कन्फ्यूजन चालू हो जाता है, कौन मसल और बोन को अटैच करता है और कौन बोन और बोन को अटैच करता है। ठीक है, सो दीज आर डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर में एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, वो है स्किन। ठीक है, स्किन का अरेंजमेंट डेंस इरेगुलर टाइप का होता है। सो इज इट क्लियर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पर। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, अभी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के, एक तो कार्टिलेज है, एक बोन्स है और एक होता है ब्लड। तो सबसे पहले हम देख लेते कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज के सेक्शन की अगर स्टडी करें तो ये किसी कार्टिलेज का हमने कट लिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स है। दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कैविटी होती है लैक्यूना के अंदर। ठीक है, और दिस इज द कॉन्ड्रियोप्लाज्म, ये क्या है, कॉन्ड्रियोप्लाज्म। इस तरीके से आप अरेंजमेंट देखोगे। इस तरीके से तो ये लैक्यूनास बन गई बीच बीच में, ये लैक्यूना हो गई इधर, ये लैक्यूना हो गई इधर, ये लैक्यूना है ना। इनके अंदर क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होती, किसी में एक होगी किसी में दो होंगी। क्लियर, सो दिस इज द कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट क्या है, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स होती है। दिस इज द लैक्यूना, ये एक कैविटी है जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है। देन यहां पे आपको कॉन्ड्रोप्लाज्म नजर आ रहा है। ठीक है, एक कॉन्ड्रियोप्लाज्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, आपको इसमें ये ध्यान रखना है। और हम कह सकते हैं कि कॉन्ड्रियोप्लाज्म, ये भी कॉन्ड्रियोप्लाज्म ही है इसके अंदर भी, और इसकी जो मैम्ब्रेन होगी आउटर मैम्ब्रेन या ये वाली मैम्ब्रेन हम बोल दें तो इसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन।
ठीक है, दिस इज द कार्टिलेज. अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बताओ. फ्लेक्सिबल होती है ना कार्टिलेज, पूरी सॉलिड नहीं होती. देखो कार्टिलेज 4 टाइप की होती है, बट हमारे सिलेबस में टाइप्स नहीं है उसके. मैम स्टमक, स्टमक में कहाँ कार्टिलेज होती है मैम? फ्लेक्सिबल होता है ना. नहीं, और कार्टिलेज बताओ कहाँ प्रेजेंट होती है मैम? गर्दन में. कुछ भी, गर्दन में मैम इसको फ्लेक्सिबल है मैम. ये भी यहाँ पे होती है, एपिग्लॉटिस मैम. ट्रेकिया है, ट्रेकिया में. ट्रेकिया, ट्रेकिया, वेरी गुड. तो मैम गले में ट्रेकिया ही तो होता है. ट्रेकिया और आपका ईयर पिना. ईयर पिना पता है ना, इसको बोलते हैं हम ईयर पिना. और नोज, जबड़ा. किसके जबड़े में कार्टिलेज है बताओ मुझे? किसका जबड़ा फ्लेक्सिबल है? हैं अंकित, हद दे. मतलब ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन ही था, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में. तो एपिग्लॉटिस हो गया, ट्रेकिया हो गया. बैकबोन में क्या होता है? पूरा नहीं प्रेजेंट होता. बैकबोन बोन्स की बनी होती है, लेकिन उसके जो साइड वाले पोर्शंस होते हैं, कुशंस जो होते हैं, वो कार्टिलेजेस के बने होते हैं, है ना? हम लिख सकते हैं वर्टीब्री कुशंस, ब्रल, वर्टीब्रल कुशंस. है ना, ये हो गया एक. तो मैम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, एलिमेंट्री कैनाल इज अ ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में आता है वो, कार्टिलेज में नहीं. सो दिस इज द कार्टिलेज. इज इट क्लियर? कार्टिलेज क्लियर है? यस मैम. ओके चलो नेक्स्ट ले लें आप स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है बोन्स की. देखो कार्टिलेज का एक टाइप होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस. वो धीरे धीरे फिर क्या होती है, बोन्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है ना, बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. वो सबसे हार्ड कार्टिलेजेस में काउंट होती है. और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो जॉइंट्स होते हैं दो बोन्स के बीच में, उनके वहाँ प्रेजेंट होती है वो. तो बोन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो सबसे पहले तो ये सेल है, दिस इज द लैक्यूना एंड दिस इज द हार्वेशियन कैनाल. मैम बोन में कनेक्टिव टिश्यू है क्या? हाँ, बोन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है ये. तरीके से सब में प्रेजेंट है. अब इसका ये जो सेल है, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोसाइट क्लियर? दिस इज लैक्यूना और लैक्यूना के बाहर ये जो आपको नजर आ रही है, इट इज अ हार्वेशियन कैनाल. हार्वेशियन कैनाल है ये, क्लियर है? उसमें कॉन्ड्रोप्लाज्म था, इसके अंदर ऑस्टियोप्लाज्म होगा. ठीक
ठीक है, वो पेरिकोनरल मेम्ब्रेन थी, ये पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो ये बोन्स होती है, और बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है आप सब जानते हो। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? बताए जल्दी से, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। मैम पाँव में जो प्रेजेंट होती है, लेग। थाई बोन बोलते हैं उसको, थाई के अंदर थाई बोन। यस, फीमर इज नोन एज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। सो दिस इज बोन, इज इट क्लियर? अब बोन्स बनी हुई किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की बनी होती है बोन्स, ठीक है, इसलिए सॉलिड होती है। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड तो क्या है, लिक्विड फ्लूड है कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है ब्लड? मैम हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। अब ब्लड के जो होते हैं दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, देयर आर टू मेन कंपोनेंट, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल्स आर फर्दर थ्री टाइप्स, इनको फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर रखा गया है। कौन कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, यस, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीन आपके सामने ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी रेड कलर की होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। प्लेटलेट्स भी इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। सी, ब्लड जो है, हम जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे तब इसको डिटेल में वापस पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड को। तो अभी तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। आरबीसी का वर्क क्या है? एज अ ऑक्सीजन कैरियर। क्या फंक्शन है ऑक्सीजन कैरियर? तो लिखो यहाँ पे, फंक्शन लिख दो इनके, ऑक्सीजन कैरियर है। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? ये भी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है। और ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। इज इट क्लियर? ब्लड एक ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है लिम्फ। एक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लिम्फ होता है ना। लिम्फ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, रिच इन डब्ल्यूबीसी। क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। सो दिस इज लिम्फ। इज इट क्लियर? एंड यस मैम, ठीक है। ब्लड हम देखो, ब्लड को बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा ब्लड ही पढ़ेंगे, ब्लड और हार्ट ही पढ़ेंगे। तो ब्लड डिटेल में, और भी कितने नंबर है, क्या क्या फंक्शन है, और डब्ल्यूबीसी के क्या क्या टाइप है, इनके कितने नंबर होते हैं, प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो वो सारा हम सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में स्टडी करेंगे। सो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन कनेक्टिव टिश्यू? नो मैम। फाइन, देन लास्ट टिश्यू रह रहा है हमारा न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना।
तो देखो न्यूरल टिश्यू तो बहुत इजी है, आप सब लोगों को आते ही होगा क्या होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। क्या स्ट्रक्चर है ये देखो, स्टार शेप बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस है, एक पूंछ होती है, हाँ उसे क्या बोलते हैं, यस दिस इज द एग्जोन। एग्जोन के ऊपर शीट प्रेजेंट होती है माइलिन की या किसी अदर सब्सटेंस की। एग्जोन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, ये जो आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है इस तरीके से, ये वाली, ये क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, दिस इज द न्यूक्लियस, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये मैं ग्रैन्यूल्स बना रही हूँ, इन्हें हम बोलते हैं नी सेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, दे आर नोन एज नी सेल्स ग्रैन्यूल। एंड दिस थ्रेड एक्सोन, ये क्या है, माइलिनेटेड शीट, शीट, ये क्या है, स्वान सेल्स होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है, दीज आर स्वान सेल्स। दिस इज नर्व एंडिंग, और ये है सिनेप्टिक लोब। So this is the structure of neuron, neuron का structure है। अब देखो signaling यहाँ से start होती है, ऐसे होती हुई जाती है nerve ending तक। Nerve ending में क्या होते हैं, neurotransmitters present होते हैं, जो next, अब ये जो है ना neuron, इससे next इस तरीके से dendrites attach होंगे, ये cell body हो गई, ये dendrites ऐसे attach होंगे, तो डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, सिनेप्टिक लोब। फिर फर्दर उसका एग्जोन, एग्जोन की नर्व एंडिंग, फिर दूसरे वाले न्यूरॉन का जो है फर्दर से डेंड्राइट, तो इस तरीके से एक कंप्लीट नर्व जो है वो बन जाती है। और बॉडी के अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल के फॉर्म में काउंट की जाती है, एंड दीज सेल्स नेवर डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, सेल डिविजन पॉसिबल नहीं है इनके अंदर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो बन जाती है वो उतना ही नंबर रहता है, बस इनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, लंबी हो जाती है, जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती है वैसे वैसे साथ में ये डेवलप हो जाती है, बट सेल डिवाइड होके अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकती। तो जहाँ कहीं से भी डैमेज हो जाती है, हम उस एरिया से सेंसेस नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये न्यूरॉन है। इज इट क्लियर? अब देखो न्यूरॉन के तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है यूनिपोलर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपको ऐसे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, एक ही पोल है, दिस इज द यूनिपोलर। फिर आईज वगैरह के अंदर ये बाईपोलर कंडीशंस होती है, ये डेंड्राइट्स है, दिस इज द बाईपोलर, ठीक है। और मल्टीपोलर जो हमने अभी बनाया, डेंड्राइट्स, और ये एक्सोन, ये नर्व एंडिंग, ये क्या हो गया, मल्टीपोलर। तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है मल्टीपोलर से मिलके ही बना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। Is it clear? क्यों आप
सबको आ गया यस मैम। समझ में? ओके डन। तो ये न्यूरॉन्स है, देखो बहुत इजी टॉपिक है ना, ये चैप्टर बहुत इजी था। टिश्यूज आपको देखो रीड करते ही एक दिन का है ये चैप्टर, लर्न हो जाएंगे एंड कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।